स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए प्रदेश की योगी सरकार लगातार कार्य कर रही है। इसी क्रम में आज कलेक्टर सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री द्वारा पूरे प्रदेश में ANM वर्करों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इसी क्रम में मथुरा में 27 ANM को प्रशस्ति पत्र कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सौंपे गए। अपना प्रशस्ति पत्र पाकर ANM के चेहरे खिल उठे। एक बात तो ये कही गई, 6 साल से पहले कभी इस तरह निष्पक्ष भर्तियां नहीं होती थी और आज कोई निष्पक्ष भर्तियों की तरफ उंगली नहीं उठा सकता, योग्यता के आधार पर नियुक्तियां होती हैं। ये बड़े आत्मविश्वास से भरा हुआ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भाषण था। उन्होंने एक बात कही थी, स्वास्थ्य के प्रति तो हम इतने सचेत हैं कि पहले मात्र 8 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज 8 की जगह उत्तर प्रदेश में इस समय 46 मेडिकल कॉलेजों में तो पढ़ाई चल रही है और बाकी मेडिकल कॉलेज लगभग 1-1.5 साल के अंतराल पे पूरे हो जाएंगे, जिनमें उद्देश्य हमारा है कि प्रत्येक जिले में 1 मेडिकल कॉलेज होगा। जिस तरह से स्वास्थ्य के प्रति आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार चिंतित है और ध्यान दे रही है, आज नवनियुक्त सभी बहनों से मेरा अनुरोध है कि वो भी इसी तरह से पूरी तरह समाज की सेवा में अपना तन मन धन से कार्य करके जिस तरह निष्पक्ष रूप से बिना किसी भेदभाव के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नियुक्ति हुई है, उसी तरह से आप भी पूरी लगन से समाज की सेवा करें, ये मेरा आप सबसे अनुरोध है। आपके उज्जवल भविष्य की ईश्वर से कामना करता हूँ। प्रत्येक तरह का सहयोग सरकार की तरफ से आपको हमेशा मिलता रहेगा, ये मैं अपनी ओर से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी कार्य हो किसी भी क्षेत्र में हमारे लायक होगा, उस प्रत्येक क्षेत्र में हम सभी बहनों का हृदय से सहयोग करेंगे और पूरी तरह से उनका, मैं ये कहूँगा कि मुख्य विकास अधिकारी जी और CMO साहब इनके नेतृत्व में आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन उसी तरह से जिस भावना से आज आपको नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं वो भावना भी पूरी करें, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीणा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय कुमार वर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले की सरकार सिर्फ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखती थी, अब की सरकार समाज के निचले तबके का ध्यान रखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर कर रही है। इसी क्रम में आज ANM वर्करों को प्रशस्ति पत्र दिए गए, जिससे कि विभिन्न क्षेत्रों में जाकर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर कर सके। देखिए, पूर्ववर्ती सरकारों में अपने परिवार के स्वास्थ्य की चिंता रहती थी, हमारी सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार को प्रदेश के समस्त भाई और बहनों के स्वास्थ्य की चिंता है। इसलिए आज 1570 बहनों की ANM पद पर नियुक्ति हुई है। मथुरा जिले में भी 27 बहनें ANM के रूप में यहाँ स्थायी रूप से नियुक्त हुई हैं। पहले हमारे ज़िले में लगभग 110 ANM स्थायी रूप से थी, अब 137 हो गई, आज बढ़ के 110 हमारे यहाँ संविदा पे भी काम करती है। पूरी तरह से बच्चा यदि स्वस्थ होगा तो आगे चल के वो जीवन में स्वस्थ रहेगा, इस पे ध्यान देने के लिए और प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, इस लिहाज से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश में 8 के बजाय
आज प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को कितना सुदृढ़ आप मान रहे हैं? ये पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की ओर हमारी सरकार लगातार निरंतर प्रयास कर रही है। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर ओटी इमरजेंसी आईसीयू पीआईसीयू एनआईसीयू सभी प्रकार के सिटी स्कैन एक्सरे अल्ट्रासाउंड अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब प्राइवेट एवं जनरल वार्ड डीलक्स रूम महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा आंखों का ऑपरेशन दांतों का उपचार सभी प्रकार के ऑपरेशन उचित दर पर दवाइयां 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। यही मौका है बिजनेस को बढ़ाने का, पर पैसा अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ गया है। अब टेंशन मत लीजिए, IIFL फाइनेंस से झटपट गोल्ड लोन लीजिए और बिजनेस आगे बढ़ाइए। आपके जैसे सुपर हीरोज ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से थोड़ी ना रुकते हैं, इसीलिए लाइफ जब भी आगे बढ़ने का मौका दे तो अपनी सुपर पावर अपना गोल्ड यूज करिए और IIFL फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात।